दोस्तों क्या आप जानते हैं चीता को दौड़ में क्यों कोई हरा नहीं सकता? चीता की चाल बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर कभी संदेह नहीं करते। जी हाँ, चीता अपनी चाल के लिए ही पूरी दुनिया में फेमस है। जानवरों की दुनिया का हुसैन बोल्ट कहा जाने वाला जानवर चीता धरती पर रहने वाले सारे ही जानवरों में सबसे तेज होता है। आप उसे दौड़ते हुए देखेंगे तो यही कहेंगे कि ये तो सचमुच हवा से बातें करता है। आखिर ऐसी क्या बात है चीता में कि इतने तेज दौड़ लगा लेता है? क्यों आखिर कोई भी जानवर इसे हरा नहीं सकता? आज के इस वीडियो में हम करीब से जानने की कोशिश करेंगे कि चीता की सबसे तेज दौड़ लगाने के पीछे की आखिर असली वजह क्या है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अपनी बुलेट जैसी स्पीड के लिए जाना जाने वाला ये जानवर अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। ईरान के कुछ हिस्सों में भी कुछ गिने चुने चीता पाए जाते हैं, मगर एशिया के चीता अफ्रीका के चीता से साइज में जरा छोटे होते हैं। चीता भी लेबर्ट और लायन की तरह कैट फैमिली का ही मेंबर है। इन्हीं की तरह खूंखार शिकारी है, मगर इस बेचारे में एक कमी है कि इन जानवरों की तरह ये दहाड़ नहीं सकता। यानी इसकी आवाज से तो इससे कोई डरने वाला नहीं है, मगर इसकी स्पीड से हर किसी को डरना पड़ता है। हिरन और वार जैसे जानवर को जहां दूसरे शिकारियों के सामने अपनी तेज स्पीड का एडवांटेज मिलता है, वही चीता के सामने उनकी एक काबिलियत भी धरे की धरे रह जाती है। जंगल की दुनिया में वैसे तो वेरी ग्रीन फाल्कन के नाम के पक्षी को दुनिया का सबसे तेज क्रिएचर माना जाता है। ये जब नीचे की तरफ डाइव लगाता है तो उसकी स्पीड करीब 400 किलोमीटर पर आवर तक चली जाती है, मगर धरती पर रहने वाले जानवरों के मामले में चीता का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। एक स्टडी के मुताबिक एक चीता की मैक्सिमम स्पीड हो जाती है करीब 120 किलोमीटर पर आवर। वाह, यकीन नहीं होता। दुनिया के सबसे तेज आदमी हुसैन बोल्ट की भी मैक्सिमम स्पीड केवल 44 किलोमीटर पर आवर है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीता कितना तेज दौड़ता है। हालांकि ये हर समय इसी स्पीड पर नहीं दौड़ता। इसकी एवरेज स्पीड तो 65 किलोमीटर पर आवर के आसपास ही होती है। कभी कभी वह जरूरत पड़ने पर ही अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करता है और ये बहुत ज्यादा लंबे समय तक भी नहीं दौड़ते। आप यकीन नहीं करेंगे, चीता केवल 3 सेकंड के अंदर अपनी स्पीड को 0 से 100 किलोमीटर पर आवर तक एक्सेलरेट कर सकता है। 3 सेकंड में तो हमसे करवट भी बदली नहीं जाती और ये चीता 100 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकता है। वाह भाई, मानना पड़ेगा चीता को बेस्ट सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ऐसे ही नहीं कहते। इसीलिए ये ज्यादा देर तक नहीं दौड़ते क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती। पलक झपकते ही अपने शिकार तक पहुंच जाते हैं, तो बेवजह ज्यादा देर दौड़ने की मेहनत क्यों करना? अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये चीता इतनी तेज दौड़ कैसे लगा लेता है। सबसे पहले बात तो इनकी शारीरिक बनावट इन्हें सुपर फास्ट बनाने में बड़ा अहम रोल प्ले करती है। ये अपने शरीर को आकार की तुलना में बहुत ही कम वजन के होते, यानी इनके शरीर बहुत हल्के होते और इसीलिए ये बड़ी आसानी से इतनी तेज भाग लेते। अगर इनकी हाइट की बात करें तो ये करीब 3.2 फीट ऊंचे होते, यानी एक शेर की तुलना में केवल 0.8 फीट छोटे, मगर वजन के मामले में शेर की तुलना में केवल 1/4 ही होते। यानी जहां शेर का वजन होता है करीब 250 किलो, वहीं एक चीता ज्यादा से ज्यादा केवल 70 किलो वजन ही हो सकता है। वैसे ज्यादातर चीता तो केवल 55 किलो के आसपास ही होते। इतना हल्का फुल्का होने की वजह से इनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है। इसके बाद नंबर आता है इनके सिर का। इसके सिर की बनावट ऊपर की तरफ से बिल्कुल फ्लैट होती है और इसका सिर आगे की तरफ थोड़ा उठा हुआ होता है। यही वजह है कि दौड़ते वक्त एयर रेजिस्टेंस का चीता पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। यह हवा को बिल्कुल चीरता हुआ आगे बढ़ता है। इसके अलावा चीता के हिप्स कुछ ऐसे शेप में होते हैं कि चीता को दौड़ते हुए टर्न लेने की सिचुएशन में एक स्टेबल सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे चीता का बैलेंस बना रहता है और वह दौड़ते वक्त शार्प टर्न भी आसानी से ले पाते हैं। इसके अलावा इनकी पूंछ दौड़ते वक्त बिल्कुल एक रबर की तरह काम करती है, जो चीता को टर्न करते वक्त हिप्स की तरह बैलेंस बनाने में मदद करती है। अब बात करते हैं इनके आगे वाले पैरों की। इसके शोल्डर की हड्डियां कॉलर बोन से अटैच नहीं होती, जिसका मतलब है कि अपने आगे वाले पैरों को ज्यादा आगे तक फैला सकते और अपने पिछले शरीर को आसानी से आगे की तरफ खींच सकते हैं। यानी इसकी छलांग बहुत लंबी हो जाती है। इसी के साथ ही इसकी रीढ़ की हड्डी की बनावट कुछ इस तरह की होती है कि ये बिल्कुल किसी स्प्रिंग की तरह बिहेव करती है। यानी हर छलांग के साथ ये स्ट्रेच होती है और फिर सिकुड़ती है। रीढ़ के स्प्रिंग जैसे बिहेवियर से दौड़ते वक्त एक एक्स्ट्रा कुछ मिलता है जो दौड़ने की स्पीड को बढ़ा देता है। इनके शरीर के बाल भी बाकी जानवरों की तुलना में थोड़े कड़क होते हैं, जो दौड़ते वक्त चौक यानी झटकों को ज्यादा अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
इनकी नाक के नथुने भी बाकी जानवरों की तुलना में थोड़ी ज्यादा बड़े होते ताकि ज्यादा से ज्यादा हवा फेफड़ों तक जा सके और खून का ऑक्सीजन की बराबर मात्रा मिलती रहे। दौड़ते वक्त एक चीता एक मिनट में 60 से 120 बार सांस लेता है। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि इतना तेज दौड़ने के लिए कितनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जिस तरह इनके शरीर की बनावट है इससे साफ जाहिर होता है कि इनकी छलांगे ही इन्हें इतना तेज दौड़ने में मदद करती है। चीता एक बार में करीब 7 मीटर की छलांग लगा सकता है। सबसे कमाल की बात तो ये है कि दौड़ते वक्त एक चीता जमीन पर रहने से ज्यादा तो हवा में रहता है, यानी यूँ समझिए कि चीता दौड़ता नहीं है बल्कि वह तो हवा में तैरता है। कैट फैमिली के ज्यादातर शिकारियों से उलट ये अपना शिकार दिन के उजाले में ही करते। साइज में छोटा होने की वजह से ये ज्यादातर खरगोश और पंछियों जैसे छोटे जानवरों को ही अपना शिकार बनाने की फिराक में रहते। मगर इसका मतलब ये नहीं कि ये बड़े जानवरों को शिकार नहीं बना सकते। कभी मौका लगने पर ये हिरन को भी अपना शिकार बनाने से नहीं चूकते। चीता ज्यादातर ग्रुप्स में ही होते और उनके ग्रुप में ज्यादातर मेल्स ही होते। इनमें भी आपस में खून का रिश्ता होता है। बड़े शिकारियों को काबू में करने और अपने इलाके की रक्षा के लिए इनका ग्रुप में रहना बहुत जरूरी होता है। वैसे कुछ चीता अकेले रहना भी पसंद करते, खासकर फीमेल हमेशा अकेले रहती है। मगर फीमेल को अट्रैक्ट करने और फैमिली बनाने में ग्रुप में रहने वाले चीता को सफलता ज्यादा मिलती है। ये बड़े सोशल एनिमल होते और अपने परिवार और इलाके की रक्षा के लिए बड़े कमेंटेड होते या अपनी सुसू से और पंजों के नाखूनों से जमीन पर निशान बनाकर अपनी टेरिटरी डिफाइन करते हैं, यानी इस एरिया के अंदर आने वाले जानवरों पर इनका हक होगा। खैर, चीता को अपने शिकार को मारकर बहुत जल्दी जल्दी खाना पड़ता है क्योंकि गीद, ईगल, लेपर्ड, आइना और लायन जैसे दूसरे शिकारी जानवर और पक्षी इनके किए शिकार पर हाथ साफ करने पहुंच जाते। चीता इतने ताकतवर नहीं होते कि इन जानवरों से वह लड़ाई लड़ सके, यानी मेहनत बेचारी चीता करते है और सारी मलाई दूसरे ताकतवर जानवर चट कर जाते हैं। चीता के बच्चे बड़ी मुश्किल से बचते हैं। ये भी इस जानवर के विलुप्त होने की बड़ी वजह है। अफ्रीका में 90 के दशक में हुए एक शोध से पता चला था कि चीता के 95% बच्चे में जड़ होने से पहले ही मर जाते हैं, यानी चीता के 100 बच्चों में से 5 ही बड़े होने तक जिंदा रहते। हालांकि 2013 में हुई रिसर्च बताती है कि इनके बच्चों के बचने की उम्मीद 36% तक होती है। चीता के बच्चों के मरने के पीछे शिकारी जानवर होते हैं। इनमें शेर, लकड़ बग्घे और शिकारी परिंदे शामिल हैं। आमतौर पर चीता के बारे में ये माना जाता है कि ये ज्यादा लंबे वक्त तक दौड़ नहीं लगा सकती क्योंकि इनकी बॉडी इतनी ज्यादा ओवरहीट यानी गर्म हो जाती है, इन्हें रुकना ही पड़ता है। दरअसल ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। दौड़ने के साथ साथ इनके शरीर की गर्मी पड़ने पर एक स्टडी हुई थी जिसमें कुछ चीता को ट्रेडमिल पर दौड़ाया था जिसके साथ थर्मामीटर भी अटैच था। तब ये बात निकल कर आई थी शरीर के जरूरत से ज्यादा गर्म होने की वजह से चीता ज्यादा लंबे समय तक दौड़ नहीं लगा पाते। मगर यह स्टडी वॉइस मेल को ध्यान में रखकर नहीं हुई थी और फिर जंगल में भी चीता को लंबी दौड़ लगाते देखा गया। ऐसे में चीता के ज्यादा देर तक नहीं दौड़ने के पीछे उनके शरीर के टेम्परेचर को रीजन नहीं माना जा सकता। मगर इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि चीता की संख्या धरती पर दिन ब दिन कम होती जा रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह हम इंसान है। बढ़ते सिविलाइजेशन के चलते इनके घर और जंगल तबाह हो रहे और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इन्हें जीने और सर्वाइव करने में मुश्किल आ रही है। इनके चमड़े के लिए भी लगातार इनके शिकार की खबरें आती रहती है। अरब देशों में चीता के बच्चों को पालने के लिए खरीदा जाता है। इनकी कीमत $10,000 यानी लगभग 7.5 लाख रुपए के आसपास तक पहुंच जाती है। ये भी चीता की तस्करी और उनके खत्म होने की बड़ी वजह है। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि चीता अब केवल अफ्रीका और ईरान के ही कुछ हिस्सों में बच गए हैं, मगर पहले ही पूरे अफ्रीका और भारत को मिलाकर लगभग पूरे सेंट्रल एशिया में पाए जाते थे। अब हालात ये है कि पहले की तुलना में अब ये केवल 20% हिस्सों में ही रह गए। एक्सपर्ट का तो ये भी अनुमान है कि आने वाले 10 सालों में इनकी जमीन 10% तक और कम हो जाएगी। एक जमाना था जब इन्हीं चीता की एक और प्रजाति जो साइज में लगभग इनकी दोगुना हुआ करती थी सेंट्रल एशिया के देशों में पाई जाती थी, मगर समय के साथ ही पूरी तरह से विलुप्त हो गई है। आज के चीता की प्रजाति भी लगभग उसी हाल में पहुंच गई है। अगर अभी इन्हें बचाने की जुगत नहीं की गई तो वह दिन दूर नहीं जब जंगल का ये फास्टेस्ट स्प्रिंटर केवल किताबों में सिमट कर रह जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब आपको धरती पर रहने वाले दुनिया के सबसे तेज जानवर की फुर्ती और स्पीड पर कोई शक नहीं रह गया होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा।